पॉकेट्स वाले लोगों का 500 रुपए काटा गया चालान, अभी नहीं मिला है 2000 रुपए का नोटिफिकेशन। पुलिसकर्मियों के मुताबिक दोपहर तक मिल सकता है 2000 रुपए जुर्माने का नोटिफिकेशन। दिल्ली में बिना मास्क एंट्री करने वालों पर पुलिसकर्मियों ने मढ़ी फिर से लॉकडाउन लाने की तोहमत, जबकि जुर्माना भुगतने वालों ने 2000 की रकम को बताया ज्यादा। पूरा ट्रक खचाखच भरा हुआ है, 100 लोग है एक ट्रक में। एक देखिए यहाँ, एक ट्रक में देखिए, पूरी ट्रक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रहा है, पूरा ट्रक खचाखच। दिल्ली में और तेज हो गई है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 7546 नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में 98 मरीजों की मौत, अब तक 8041 लोगों की गई जान। दिल्ली में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने में केंद्र और राज्य सरकार ने झोंकी ताकत, कोविड सेंटर की 500 बेड में लगी ऑक्सीजन किट। दिल्ली सरकार का निजी अस्पतालों को फरमान, 60% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित। निजी अस्पतालों के 250 से ज्यादा बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित। कोरोना से निपटने की तैयारियों पर केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, कहा हालात काबू में हुए तब उठाएं कदम। हाईकोर्ट ने हालात को बताया भयावह, कहा रात में जलाए जा रहे हैं शव। दिल्ली सरकार को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश। दिल्ली के सीएम ने कल बिना मास्क लोगों के लिए 500 रुपए की जगह 200 रुपए जुर्माने का किया था ऐलान। तो बढ़ा के 2000 रुपए फाइन किया जा रहा है, कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपए था, इसको बढ़ा के 2000 रुपए फाइन। कोरोना से निपटने में डॉक्टर्स के सहयोग की केजरीवाल ने की तारीफ, मृत्यु दर कम रहने का दिया हवाला। 750 बेड्स मुहैया कराने में देरी, में आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर साधा निशाना। सौरभ भारद्वाज ने कहा अभी तक नहीं मिला है एक भी बेड। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना के रैंडम टेस्ट के दूसरे दिन पाए गए 9 मरीज, 178 लोगों की हुई थी जांच। देश में 24 घंटे में 45576 नए मामले, 585 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5535 नए मामले, 154 की गई जान। पुणे में 24 घंटे में 411 नए मामले, 6 मरीजों की गई जान। यूपी में बढ़ने लगा है कोरोना का ग्राफ, नोएडा में 235 नए मामले आए सामने। गुजरात में 24 घंटे में 1340 केस, 12000 से ज्यादा एक्टिव मामले। अहमदाबाद में कोरोना की रफ्तार पर लगाम की तैयारी, शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू। इंदौर में ज्वेलरी शोरूम में 31 कर्मचारी कोरोना संक्रमित, 7 दिन के लिए शोरूम बंद। हरियाणा के रेवाड़ी में एक दर्जन सरकारी स्कूलों में कोरोना विस्फोट, 72 छात्र हुए संक्रमित। हरियाणा के कई जिलों में स्कूली बच्चे आए कोरोना की चपेट में, जींद में 29, सिरसा में 16, कैथल और महेंद्रगढ़ में 12-12 बच्चे संक्रमित। अगले 3 से 4 महीने में आ सकती है भारत में कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जताया भरोसा। कोरोना के टीकाकरण की तैयारियों में अभी से जुट गई है सरकार, स्वास्थ्य कर्मियों और 65 साल के ज्यादा उम्र के लोगों को पहले दी जाएगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत बने ओटी और आईसीयू का किया उद्घाटन। भोपाल में कोरोना का लापरवाही, अब पड़ेगी महंगी, मास्क नहीं पहनने वालों का कटेगा चालान। 24 घंटे में सामने आए 231 नए मामले। बिहार में आस्था के महापर्व छठ पूजा का पहला अर्घ आज, शाम को डूबते सूरज की उपासना। समस्तीपुर में घाटों की साफ सफाई के साथ लगाए गए पंडाल, प्रशासन ने व्रतियों के लिए शुरू की निःशुल्क ई रिक्शा और गंगा जल की व्यवस्था। हाजीपुर में छठ घाट बनाने पर भिड़े दो गुट, पथराव मारपीट का वीडियो वायरल। रांची में अर्घ के लिए तैयार किए जा रहे हैं छठ के घाट, शाम को डूबते सूर्य से पहला अर्घ। वाराणसी में घाटों की साफ सफाई और सजावट को दिया जा रहा है अंतिम रूप, शाम को पहले अर्घ की तैयारी। बिहार के गया में छठ घाटों पर पहुंचने लगे हैं व्रती, नदी के घाटों की साफ सफाई जारी। लखीसराय में किउल नदी के घाटों पर पहले अर्घ की तैयारियां, सफाई रोशनी की व्यवस्था। मुंबई में छठ पूजा की तैयारियां पूरी, छोटे छोटे जलाशयों में होगी पूजा। हरिद्वार में गंगा घाटों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं, घर में ही अर्घ देने की अपील। कोलकाता में ममता बनर्जी ने लोगों को घर में छठ मनाने की अपील की, छोटे ग्रुप में पूजा करने पर दिया जोर। ग्रेटर हैदराबाद में आज निकाय चुनाव का नामांकन का आखिरी दिन, सुरक्षा इंतजाम सख्त। हैदराबाद में सीएम केसीआर की बेटी का गणपति पूजा का वीडियो हुआ वायरल, पूजा के दौरान कविता के साथ पहुंचे टीआरएस उम्मीदवार ने गणपति को पहनाया चुनाव चिन्ह वाला अंग वस्त्रम। जम्मू कश्मीर में 20 डीडीसी के लिए 8 चरणों में होगा चुनाव, 28 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच शुरू होगी, पूरी होगी चुनावी प्रक्रिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर गुपकार गठबंधन पर बोला हमला। दिल्ली के नांगलोई इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। यूपी के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 14 की गई जान, मरने वाले सभी बराती। खड़े ट्रक में जा घुसी बारातियों से भरी बुलेरो,
ड्राइवर को नींद आने से हादसे की आशंका, कई घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। देवरिया में बीजेपी विधायक काली प्रसाद की स्कॉर्पियो पर फायरिंग के केस में 7 आरोपी गिरफ्तार, 16 नवंबर की है वारदात। सोनीपत में 5 स्पा सेंटर से पुलिस की रेड, दे व्यापार का हो रहा था धंधा, 27 महिलाओं और 17 युवकों को किया गया गिरफ्तार। उड़ीसा के भद्रक में आज सुबह जबरदस्त कोहरे से हुआ लोगों का सामना, वाहन चालकों को आई दिक्कत। अगले अध्यक्ष चुनाव के लिए कांग्रेस की डिजिटल तैयारी, एआईसीसी के करीब 1500 सदस्य को दिए जाएंगे बारकोड वाले आई कार्ड। राज्यसभा के लिए 14 दिसंबर को होगा उपचुनाव, रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है सीट। कामकाज संभालने के 1.5 घंटे बाद ही भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का इस्तीफा। मेवालाल के इस्तीफे के बहाने तेजस्वी का नीतीश पर हमला, ट्वीट कर कहा मंत्री क्यों बनाया था, आप ही असली गुनहगार। राजस्थान में महिलाओं को सरकारी राशन की दुकानों में मिलेगा 30% आरक्षण, आवंटन नीति में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी। अगले महीने 23 से 25 दिसंबर को जेपी नड्डा का कर्नाटक दौरा, पार्टी को कैडर को और मजबूत करेंगे। आंध्र प्रदेश में अवैध खनन के मामले में टीडीपी एमएलए के घर सीबीआई की रेड, 25 जगहों की हुई तलाशी। आजम खान के बेटे के मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित किया फैसला, अब्दुल्ला आजम पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने का आरोप। 21-22 नवंबर को G20 देशों की बैठक, सऊदी अरेबिया के किंग अब्दुल्ला अजीज अल सऊद करेंगे अगुवाई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता भारती घोष का दावा, शुभेंदु अधिकारी ही नहीं रही और टीएमसी नेता बीजेपी में आने को तैयार। पाकिस्तान को आर्मी चीफ मुकुल नरवणे की दो टूक, कहा नहीं बचेगा एलओसी लांघने वाला कोई भी आतंकी। जम्मू के नगरोटा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया। श्रीनगर हाईवे में सेब के ट्रक में छिपकर जाए थे जैश के 4 आतंकी, डीडीसी चुनाव में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने का शक। सेना प्रमुख नरवणे ने की साझा ऑपरेशन की तारीफ, कहा सभी आतंकियों का होगा यही हश्र। सुरक्षा बलों को मिली थी आतंकियों की खुफिया जानकारी, टोल प्लाजा पर टोकने के बाद शुरू हुआ था एनकाउंटर। जम्मू के आईजी ने आतंकियों से की थी सरेंडर की अपील, आतंकियों ने नहीं मानी थी बात। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, 7.5 किलो आरडीएस, 11 एके राइफल, सैकड़ों कारतूस और 30 हैंड ग्रेनेड जब्त। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला एक दहशतगर्द, तलाश जारी। पाक की अदालत ने आतंकी हाफिज सईद को सुनाई 10.5 साल की सजा, आतंक से जुड़े 2 मामलों में फैसला। देश की सरहद की रक्षा में प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवान निखिल शर्मा का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव। पंजाब के गुरदासपुर में हैरान करने वाली घटना, रेप की 14 साल की बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म, पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी। नोएडा में सामने आया लव जिहाद का मामला, धर्म छिपाकर शादी करने के बाद दहेज के लिए ब्लैकमेलिंग। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में मासूम की गैंगरेप के बाद हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, एक को मौत की सजा, दूसरे को 7 साल की कैद। एटा में बच्चों ने पटाखा जलाने पर 2 गुटों में जंग, एक महिला की पीट पीट कर हत्या। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में लाश मिलने से सनसनी, पुलिस ने सियासी रंजिश की कड़ियां जोड़ी। झारखंड में अब अपराधियों का सीधे होगा एनकाउंटर, अपराध पर काबू के लिए डीजीपी ने दिया निर्देश। दिल्ली में पुलिस ने लिफाफा गैंग के 8 बदमाशों को धरा, कई मामलों में थी तलाश। एटा में मासूम से गैंगरेप केस में पुलिस ने 2 को घेरा, पूर्व प्रधान समेत 3 थे आरोपी। हरदोई में नाबालिग से गैंगरेप मामले में केस में पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, गांव के ही 2 लड़कों ने किया था बलात्कार। मुरादाबाद में लुटेरे बेखौफ, घर में घुसकर 4 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लाखों की नकदी और गहने लूटे। सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत, बाल बाल बचा युवक। गाजियाबाद में कैदियों को पेशी के लिए ले जा रही वैन और बस में जोरदार टक्कर, 6 जख्मी। कानपुर में खेत की रखवाली कर रहे किसान की बेरहमी से हत्या, खेत में खून से लथपथ मिली लाश। जलंधर में मामूली विवाद में एक शख्स की गई जान, वारदात के दौरान मोबाइल वीडियो में दिखे दोनों आरोपी। दमोह रेलवे स्टेशन पर कोयले से लदी मालगाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने किया आग पर काबू। दिल्ली में बढ़ने लगी है ठंड, मौसम विभाग के मुताबिक 22 नवंबर तक न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद। सर्दियों के लिए बंद हो गए बद्रीनाथ के कपाट, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता। रुद्रप्रयाग में द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट भी बंद, शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित हुए थे भगवान। कोरोना संकट के बावजूद प्रयागराज में जनवरी में माघ मेले की तैयारी, सख्ती से लागू की जाएंगी कोविड गाइडलाइन। उत्तराखंड में मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट ओली में बर्फबारी से हुआ गुलजार, सैलानियों की आवाजाही बढ़ी। यूपी के हाथरस जिले में लोहा गलाने की एक फैक्ट्री में अचानक हुआ विस्फोट, 5 मजदूर झुलसे, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगर मालवा बस स्टैंड पर बेकाबू सांड, एक युवक
को सींग से उछाल कर फेंका। युवक को सांड के हमले में ज्यादा चोटें नहीं आई, लोगों ने आवारा पशुओं को लेकर नगर निगम पर उठाया सवाल। मुरादाबाद में किसान परेशान, डिडोरी गांव में धान खरीद केंद्र पर पिछले 3 दिन से कोई कर्मचारी नहीं।